चलो शुरू करें। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़े थे थोड़ा, क्या पढ़े थे क्या पढ़े थे, जल्दी याद करो बेटा। मिरर के आगे जो इमेज बनता है उसको क्या, कौन सा इमेज बोलते हैं? मिरर के आगे एक बोलता है, उसके बाद सारे लोग बोलते हैं, याद करा दे रहा है ना ये। मिरर के पीछे कौन सा इमेज बनता है? ये वर्चुअल ओह याद था ना याद, आधा घंटा पहले, अभी भूल गए ना। हाँ ये बीमारी सबको था, सब दवा लिया है। हाँ बोलो बेटा, या वर्चुअल इमेज, देखो वर्चुअल इमेज, और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं संध्या, जल्दी से बताओ। काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब, गुड। तो मिरर के सामने की तरफ जो इमेज बनता है, फ्रंट की तरफ जो इमेज बनता है उसको बोलते हैं रियल इमेज, और मिरर के पीछे जो इमेज बनेगा वर्चुअल इमेज। दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर हम कैसे बनता है ये रियल इमेज, कैसे बनेगा? लाइट रे जब खुद से मिलती है तब रियल इमेज बनता है, और मिरर के पीछे लाइट रे नहीं मिलती है, खुद से नहीं मिलती है तो हम लोग को मिलवाना होता है, उसको करेंगे वर्चुअल इमेज, अच्छा वो मिरर के पीछे रहती है। अच्छा आप दोनों को मिलवाते हैं, अगुआ बनने का काम करते हैं, ठीक है। तो मतलब जिसमें हम लोग खुद से ड्रॉ करके उसको मीट कराते हैं वो हो जाएगा वर्चुअल इमेज, और जिसमें लाइट रेस जो है आपस में मिलेगी वो हो जाएगा रियल इमेज, ठीक है। तो कुल मिला करके हम लोग कल समझे थे, और थोड़ा डायग्राम का प्रैक्टिस कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। हम एक मिरर ड्रॉ कर रहे हैं, मान लीजिए कौन सा मिरर है, ये कनकेव मिरर है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण, ठीक है। और इस मिरर का मिड पॉइंट से एक हम लाइन ड्रॉ करें, प्रिंसिपल एक्सिस, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अच्छा अब सारे लोग एक साथ नहीं बोलेंगे, हम जिनसे पूछेंगे वही बोलिएगा, ठीक। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई ना, ठीक है। अगर एक लाइट रे आ रही है कहीं से भी आ रही है, एक लाइट रे आ रही है, ये कौन सा लाइट रे, इसको हम कौन सा लाइट रे कहेंगे? संजीव बोलो बेटा। इंसिडेंट, इंसिडेंट रे, और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? जो आपको छोड़कर के सभी के हाथ खड़े हो रहे हैं, बोलिए रौनक। आपतित किरण। आपतित किरण, ये लाइट रे इस पॉइंट पर टकराई, मिरर के इस पॉइंट पर टकराई, ठीक है। टकराकर वो क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी ना, इस पॉइंट पे जो टकरा, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? रुको बेटा, अंतरा बोलो। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? बोलो अंतरा बेटा। आपतित बिंदु, पक्का नहीं, कच्चा, कौन बोलेंगे? सब लोग आपतित बिंदु लिखा है, गजब। अच्छा इस लाइट रे को क्या बोलेंगे जो ये वापस जा रही है, इसको? संजीव, रिफ्लेक्टेड रे, अच्छा। और रिफ्लेक्टेड रे को हिंदी में अंतरा, अंतरा, परावर्तित
परावर्तित किरण। चलो ठीक है, कॉमन चीजें क्लियर हो गई ना। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उस पे आते हैं, आज हम लोग जो पढ़ेंगे उस पर आते हैं और देखेंगे कि आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे बेटा इमेज फॉर्मेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन, मतलब हाउ इज जो टॉपिक है आज का वो है कि हाउ इज आवर इमेज फॉर्म्ड, हाउ इज आवर इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन, कहाँ बेटा, मिरर। हाउ इज आवर इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर, ये है आज का टॉपिक। मतलब हमारा जो बॉडी है, हमारा जो इमेज है वो प्लेन मिरर में कैसे बनता है। प्लेन मिरर मतलब आईना, आप आईना देखते हैं रोज, आज भी देख करके आए होंगे ना, कैसा दिख रहे हैं, कैसा लगा दिखने के बाद, कुछ नहीं लगा, देखने का ही नहीं था। कितने लोग आईने देखता है दिन में, कम से कम 5 बार, 4 बार, 3 बार, सब झूठ बोल रहा है। तीन बार तो आपका बाल झड़ाया क्या है, वो तो जैसे था वैसे ही है लग रहा है, वैसे ही हो जाता है। चलो ठीक है, तो प्लेन मिरर बोलने का मतलब है कि जब हम अपने आप को आईने में देखते हैं तो हमारा इमेज कैसे बन जाता है वहाँ पे। दो दो अगर आप खड़े हो जाएं आईना के सामने तो दो दो दिखेंगे ना। अंकित मान लो खड़ा होगा आईने के सामने तो दो दो अंकित दिखेगा। दोनों रियल है नहीं, दोनों रियल नहीं। रियल जो है वो आईना के सामने है और एक आईना के पीछे है, वो कौन सा इमेज होगा, वर्चुअल इमेज होगा। तो वो जो वर्चुअल इमेज बन रहा है वो कैसे बन रहा है, ये है आज का मेन टॉपिक। ठीक है, तो चलो समझते हैं, ये हेडलाइन समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम लोग ट्राई करते हैं समझने का। देखो, हमको सबसे पहले प्लेन मिरर लेना पड़ेगा। याद रखिएगा, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये तीनों में इमेज अलग अलग तरीके से बनता है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स पर हम लोग पढ़ेंगे सीनियर क्लासेस में, मतलब नेक्स्ट ईयर, ज़्यादा नहीं, अगले साल अगर हम रहे तो। नहीं रहे तो भी आप पढ़िएगा, क्योंकि वो सिलेबस में ही है, तो कोई भी टीचर पढ़ाएंगे तो वो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, वो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं प्लेन मिरर। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्लेन मिरर। तो एक हम प्लेन मिरर ले लिया, और प्लेन मिरर की खास बात क्या होती है, आगे की ओर फ्लैट रहता, पीछे से मुड़ा हुआ रहता है, उसको कैसे बोलेंगे, पूरा फ्लैट रहता है कैसे बोलेंगे उसको। नहीं, ये बोलने का तरीका नहीं है। फिर भूल रहे ना, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की खास बात, रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसका जो रहता है वो फ्लैट रहता है। बेटा आई नीड आंसर्स, रिवीजन छूट रहा है ना सुबह शाम, नहीं छूट रहा है, अच्छा जवाब चाहिए, जवाब बेटा। यहाँ पे अगर बैठ रहे हैं ना तो जवाब चाहिए, आंसर्स शेयर, शेयर करो अपने जवाब, अपने आंसर्स को शेयर कीजिए। चुपचाप नहीं बैठना है, प्रवचन है, हम बाबा हैं, आए हैं दूर से पहाड़ी बाबा, जीवन के बारे में बता रहे हैं और आप सुन रहे, आह धन्य हो गए हम तो, पुण्य मिल गया हमको। फिजिक्स है बेटा, फिजिक्स में समझा जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, इसको बोलते हैं स्टडी। स्टडी में ऐसे होता है, स्टडी में सिर्फ हम बोलेंगे और आप सुनिएगा, उस वैसे नहीं होता है, हम और आप में एक डिस्कशन होना चाहिए और आपके तरफ से जवाब आने चाहिए अगर हम पढ़ा चुके हैं तो। तो एक हम लिए, कौन सा मिरर लिए, हाँ मिरर नहीं ना है, चलिए हम मिरर इसको बना देते, पॉलिश कर देते पीछे से, अब तो मिरर हो गया। तो हम एक मिरर ले लिए, प्लेन मिरर, ठीक है। डायग्राम को लेकर के, अगर ये बोर्ड है तो हो सकता है कि डायग्राम थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाए यहाँ पे, कॉपी में डायग्राम टेढ़ा नहीं होना चाहिए। आप लोगों के बहुत सारे कॉपी हम चेक किए हैं और उसमें डायग्राम जैसे तैसे बनाया हुआ है, बेटा फिजिक्स का डायग्राम है, आराम से बनाइए, तरीके से बनाइए, नहीं आता है पूछिए, आस्क क्वेश्चंस। डायग्राम को जैसे तैसे ड्रॉ कर दिए और हो गया, ऐसे नहीं होता है। तो ये एक प्लेन मिरर है, क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या, कैसा है, वो फ्लैट है,
ठीक है, अब ये प्लेन मिरर है, और अगर हम मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, समझ में आ रहा ना, ये सब फिजिक्स की भाषा है, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट से मिनिमम हमको कितने लाइट रेस चाहिए, दो, इमेज बनाने के लिए मिनिमम दो लाइट रेस चाहिए, या दो से ज़्यादा भी हम ले सकते हैं। तो मान लीजिए एक लाइट रेस यहाँ से गुजरी, ठीक है, यहाँ पे टकराई, और टकरा के बाद वो क्या चली गई, वापस चली गई, इंसिडेंट होकर के उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। एक जो लाइट रे ऐसे आई, यहाँ पे टकराई और क्या चली गई, वो भी वापस चली गई, रिफ्लेक्ट हो गई, है ना। तो ये इस डायरेक्शन पे जा रही है, ये इस डायरेक्शन पे जा रही है, तो दोनों तो आपस में मीट करेगी, नहीं मीट करेगी, ठीक है। और मान लीजिए कि अब देखो एक चीज और जो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा, देखो मान लीजिए कि कोई एक मिरर है, कोई एक मिरर मतलब ये एक मिरर ले लेते हैं हम, ये बहुत फेवरेट मिरर है, मतलब ये आगे चल करके ना ये ज़्यादातर यही मिरर आपको देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए कि ये मिरर है, और इस मिरर के मान लीजिए एकदम स्ट्रेट कोई लाइट जा रहा है, लाइट एकदम स्ट्रेट ऐसे करके, तो ये तो टेढ़ा जा रहा था ना, यहाँ से देखो ये ऐसे करके टेढ़ा जा रहा है, तो इधर मुड़ी गई, यहाँ से इस डायरेक्शन पे यहाँ आ रहा है तो इस डायरेक्शन मुड़ गई। लेकिन अगर कोई सीधा जाए, एकदम सीधा जाए, तो वो किधर मुड़ेगी, एकदम सीधा जाएगी तो वो किधर मुड़ेगी, नहीं, अगर कोई नॉर्मल नॉर्मल के डायरेक्शन में जा रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के मतलब एकदम सीधा जा रही है अगर, ठीक है, तो वो जिस डायरेक्शन में जा रही है वो उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी, एकदम उसी रास्ते से वापस आ जाएगी, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बोलेंगे, बोलेंगे उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। तो एक रे हम यहाँ से लिए, एक रे हम यहाँ से ले लिए, ठीक है, अब ये दोनों रेस तो आपस में मिलेगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, करना पड़ेगा ना हमको, तो हम इसको पीछे ले जाएंगे, और पीछे ले जाएंगे तो एकदम सीधा जाना चाहिए ये, और इसको भी पीछे लेके जाएंगे, और ये जिस पॉइंट पे मिलेगी वहां पर क्या बनने वाला है, इमेज बनने वाला है, ठीक है। तो वहां पर बन जाएगा इमेज, तो यहां पर एक इमेज बना, और किसका इमेज बना, इसी का इमेज बना, इसी का इमेज यहां पर बन गया। तो समझ में आ रहा प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनता है, प्लेन मिरर में एक लाइट रे इस इधर मुड़ जाएगी, एक लाइट रे इधर मुड़ जाएगी, और भी लाइट रे ले सकते हैं आप, हम तो दो लिए हैं, आप चाहें तो और भी ले सकते हैं, ऐसे करके एक और ले लीजिए, इधर से एक और ले लीजिए, ऐसे करके ले सकते हैं आप, और सब जो है वो एक ही पॉइंट पर मिलेगी, ठीक है। और जहां सारे लाइट रेस एक पॉइंट पर मिल रही है, उसी पॉइंट पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी, जो इमेज वर्चुअल इमेज होगी, क्योंकि हम उसको ड्रॉ करके बना रहे हैं, ठीक है। और वो जो इमेज है वो मिरर के पीछे बन रही है, ठीक है, तो वो काल्पनिक प्रतिबिंब होगी, वो वर्चुअल इमेज होगी। बात समझ में आ रही है, याद रखिएगा डायग्राम बनाते समय ना थोड़ा सावधानी बरतिएगा, लाइट रेस एकदम, क्योंकि हम लोग पढ़े ना लाइट रेस हमेशा सीधी ट्रैवल करती है, तो लाइट रेस हमेशा सीधी होनी चाहिए, ठीक है।